पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन किया घोषित। सभी संगठनों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। राज्य को प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का मिला अधिकार। प्रतिबंध का सभी तबकों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। सरयू नदी के तट पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है चौराहे को। दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में एक और गिरफ्तारी। ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से किया गिरफ्तार। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में कारोबारी विजय नायर को किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 लोग हादसे में हुए घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलविन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष और इसके नतीजों, इंडो पैसिफिक की स्थिति, दक्षिण एशिया और खाड़ी मसले पर हुई चर्चा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में आज। T20 विश्व कप से पहले भारत के लिए ये अहम सीरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि PFI कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा। यह संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी जो स्रोत हैं उससे मिले धन और समर्थन से यांत्रिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि विभिन्न मामलों की जांच से ये साबित हुआ है कि PFI और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। PFI और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे। PFI के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक इनके काडर ने ISIS के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया। PFI का संपर्क प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा, तो इसके कई सदस्य पहले से ही प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी मेंबर रह चुके हैं। PFI और उससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में इस पैसे का इस्तेमाल करते थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि PFI और इससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के प्रतिकूल है। इससे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने और उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। इतना ही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया कि PFI समाज की एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इससे पहले हाल ही में NIA और ED ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिससे देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए। ये संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार करने की वजह से हुआ था। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं PFI पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई है कि वो PFI और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए UAPA कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी PFI के बैन के बाद नई दिल्ली स्थित जो तमाम संगठन हैं और उनकी जो मुख्यालय हैं उनके आसपास पुलिस की जो सुरक्षा से कड़ा कर दिया गया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी
संगठन के कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कहा कि भारत में देश विरोधी नारे लगाने वालों की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, अपराधी और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, आइए सुनते हैं। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो भी निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है, या देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि विभाजनकारी कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से पेश आया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कहा कि पीएफआई का समर्थन करने वाले नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। तंत्र, समर्थन तंत्र, इनके सहयोग में जो लोग उठे थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उनके बैकग्राउंड की भी छानबीन होनी चाहिए। इनके धन कहाँ कहाँ से आए, अलावा जिन जिन स्रोत इनके पास पैसे आए हैं, इनका प्रमुख ये कहना है कि हवाला से और सदस्यता शुल्क से आते हैं, लेकिन सदस्यता शुल्क से सैकड़ों करोड़ नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये पता लगाना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके पास इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल उबिद्दीन अली खान ने फैसले का स्वागत किया। कहा, यह पाबंदी सरकार को पहले लगानी चाहिए थी। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिले तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और ऑल इंडिया सूफी सजदन शी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये प्रतिबंध उन लोगों के लिए सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। भारत सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर, तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरा एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आईन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बोल्ड डिसीजन टेकन टू बैन द पीएफआई, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट मुल्क एंड मानवता, टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड बाय द होम मिनिस्ट्री, रिफ्लेक्ट्स वंस अगेन
their commitment towards zero tolerance on terror, which has been shown by the Modi government and by Home Minister Amit Shah ji, by the series of strong and bold actions and decisive actions they have taken on terrorism in the last 8 years. हम करते हैं अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में स्वरों की मल्लिका लता मंगेशकर की स्मृति में एक चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को करीबन 7 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित बजट से लता मंगेशकर ये जो चौक है उसे विकसित किया गया है। संबंधित जगह का मुख्य आकर्षण ये है कि यहाँ भारतीय संगीत वाद्य यंत्र वीणा स्थापित की गई है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट, ऊंचाई 12 मीटर है। स्मारक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि ये देश का पहला स्थान होगा जहां अमर सुरीली आवाजों को मंदिरों के शहर से जोड़ने के लिए इतना विशाल संगीत वाद्य यंत्र स्थापित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित रहेंगे और उन्हीं की उपस्थिति में स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रमुख स्थान नया घाट को उनके नाम पर विकसित करने की जो योजना है उसकी घोषणा की थी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और उसके को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्रू से कई राउंड की पूछताछ की थी। नई आबकारी नीति को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। विजय नायर को साजिश, कार्टलाइजेशन और चुने गए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय नायर के माध्यम से एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के नाम शामिल थे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ नीरज सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से ये जो गिरफ्तारी हुई है, कौन से ऐसे और राज हैं जो इस गिरफ्तारी के बाद जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है? देखिए आंचल, राज तो कई सारे हैं। खासतौर से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, जिसमें एक शराब कारोबारी के पिता ये कहते हुए पाए गए थे उस स्टिंग ऑपरेशन में कि दिल्ली के एक नेता के पास अगर एक बड़ी रकम पहुंचा दी जाए तो उसके बाद दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत न केवल उनको ठेके मिल जाएंगे बल्कि आप जितनी शराब बेचना चाहें उतनी शराब बेच सकते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जारी भी किया था। अगर हम समीर महेंद्रू की बात करें तो समीर महेंद्रू इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समीर महेंद्रू ने अपनी कंपनी से 4 से 5 करोड़ रुपए जो मनीष सिसोदिया के करीबी हैं उनके खाते में जो रकम है वो ट्रांसफर करी थी। सीबीआई ने जब इसमें पहली एफआईआर दर्ज की थी उसमें समीर महेंद्रू का भी नाम था, जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, और उनका मालूम था कि जो प्राइवेट प्लेयरों के साथ दिल्ली सरकार ने जो खेल खिलाया एक्साइज पॉलिसी को लेकर उसमें समीर महेंद्रू की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उसी के बाद अगर आप देखें तो सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी जिसमें मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ हुई थी। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों को भी खंगाला गया था गाजियाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में। इसके साथ ही दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी अधिकारी थे उन सभी के पास सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां से बड़ी मात्रा में जो दस्तावेज है वो सीबीआई ने बरामद किए थे। क्योंकि सीबीआई का ये मामला है कि जिस तरीके से जो शराब नीति को लेकर जो नीतियां बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं थी और खासतौर से दिल्ली के सेक्रेटरी ने एलजी महोदय को जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उससे जो प्राइवेट प्लेयर है खासतौर से जो शराब के कारोबारी है उनकी लाइसेंस फीस को माफ किया गया था जो कि कानून सम्मत सही नहीं है और 144 करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ था। उसके बाद ही एलजी महोदय ने तमाम जो एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया था। उस समय वर्तमान कमिश्नर जो शामिल थे उनको भी
जो उपराज्यपाल है उन्होंने सस्पेंड किया था और कई सारे अधिकारी जो इस पॉलिसी से जुड़े हुए थे। उसके बाद मामले की सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की। लंबी एक जो जांच करने के बाद छापेमारी की कार्रवाई करके कई सारे दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई की उसी एफआईआर पर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को मिले थे, ईडी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एफआईआर की कॉपी मंगवाई। उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें मामला दर्ज किया। आजकल आपको पता होगा जब मनी लॉन्ड्रिंग में मामला ईडी ने दर्ज किया, उसके बाद ईडी ने 5 राज्यों में रेड करी थी, जिसमें दिल्ली शामिल था, पंजाब शामिल था, हरियाणा शामिल था, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव शामिल था इलाका, और वहां पर समीर महेंद्रू का जो दिल्ली स्थित घर है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। अब समीर महेंद्रू से लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है कि आखिर दिल्ली के जो आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं उनसे किस तरह का उनका रिलेशन है। और कल आपने देखा होगा कि विजय नायर को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ही, और वो भी मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हैं और इवेंट मैनेजमेंट में शामिल हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी है ये दोनों गिरफ्तारियां, और आने वाले समय में गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है और दिल्ली सरकार के कई सारे नेता चपेट में आ सकते हैं जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से लाभ ले रहे थे। नीरज, क्योंकि हम यहाँ पर मनी ट्रेल का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से मनी ट्रेल को ट्रैक कर पाएगी ये जो एजेंसी है, क्योंकि सारा खेल तो पैसे का ही है? देखिए बिल्कुल, मनी ट्रेल को सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय है उन्होंने ट्रैक किया है, और जब प्रवर्तन निदेशालय के पास जानकारी पूरी पुख्ता हुई है उसी के बाद समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। समीर महेंद्रू कोई आम आदमी नहीं है और ईडी को अदालत में ये सिद्ध करना होगा कि समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है तो उसका बेसिस क्या है, क्योंकि इंडो स्पिरिट के मालिक हैं और देश के अंदर एक बड़ी शख्सियत है। तो इतना ईडी भी नहीं चाहेगी कि अदालत में उनकी कह सकते हैं कि उनकी जो कोर्ट है उनको फटकार लगाए। पुख्ता सबूत के बाद ही ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया, और जैसा कि मैं बता भी रहा था कि समीर महेंद्रू की कंपनी से 4 से 5 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया के करीबियों के अकाउंट में भी पैसे गए हैं, इस बात की भी जानकारी ईडी के पास है। और इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्राइवेट लाइसेंस दिए गए प्राइवेट कंपनियों को और इस खेल को खेला गया, दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहाई गई, एक के साथ एक बोतल फ्री दी गई, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी गई, तो ये तमाम जो सबूत हैं। एक चीज और भी है नीरज, क्या हम इसको कनेक्टेड मान सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि विजय नायर की गिरफ्तारी मंगलवार को सीबीआई ने की, आज समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है, वही आप पहले से ही अंदेशा जता रही है कि मनीष सिसोदिया की हो सकती है अगली गिरफ्तारी? देखिए कनेक्टेड नहीं मानेंगे, क्योंकि सीबीआई अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करती है, खासतौर से इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का एक अलग तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर आप ईडी की बात करें तो ईडी चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले को देख रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे कैसे पैसे का लेन देन किया गया है, किस किस तरीके से जो पैसा है वो लोगों के पास पहुंचा है, सीबीआई इसमें आपराधिक भूमिका देख रही है कि किस तरीके से अपराध किया गया और उस अपराध में कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो ये दोनों तरह अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि समीर महेंद्रू की आज गिरफ्तारी हुई है, विजय नायर की कल गिरफ्तारी हुई है, तो ये लगता है कि एक ही बात एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से है क्योंकि जांच के तरीके भी अलग है और जिन धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया है सीबीआई ने वो धाराएं अलग हैं और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक चीज और समझना चाहती हूँ आपसे। समीर महेंद्रू का अगर हम जिक्र करें तो नीरज, उनके बारे में ये बात सामने आती है कि 2013 में भ्रष्टाचार के लिए 2 अफसरों के खिलाफ वो सीबीआई के मुख्य गवाह थे और उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि जिन कई लोग उनसे शराब की एवज में लाइसेंस मांगते हैं, तो वो तो खुद गवाह थे और अब खुद कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए। देखिए बिल्कुल, उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि कई सारे दिल्ली के अधिकारी हैं जो लाइसेंस देने के बदले में पैसे के साथ साथ महंगी शराब मांगते हैं जी। और उस समय सीबीआई ने इस मामले को देखा भी था, लेकिन चूंकि इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, जब उनको लगा कि दिल्ली में एक बड़ा स्टेक शराब के कारोबार में उनको मिल सकता है, कई सारे जो नजदीकियां हैं उनकी, कई सारे लोगों की जो आम आदमी पार्टी और खासतौर से जो आबकारी मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उसके तहत जब उनको लगा कि एक दिल्ली के अंदर एक बड़ा स्टेक लेकर एक बड़ा साम्राज्य जो स्पिरिट इंडस्ट्री है, खासतौर से शराब इंडस्ट्री है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं, तो उसी के तहत वो इस पूरे मामले में शामिल हुए। और जब सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की तो सीबीआई के पास भी पुख्ता जानकारी थी समीर महेंद्रू को लेकर, और ईडी ने जब रेड करी तो ईडी के पास भी पुख्ता जानकारी थी, उसी के बाद इनको गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Yeah.
पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते अगली खबर का, जो कि लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना होने से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य युद्ध स्तर पर कराने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और उसके नतीजों, हिंद प्रशांत स्थिति, दक्षिण एशिया पर चर्चा की। उन्होंने वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन DC में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत ने मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टकाचेंको से मुलाकात की। एस जयशंकर और जस्टिन टकाचेंको ने प्रशांत द्वीप समूह के साथ चल रहे सहयोग पर विस्तार से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आने वाले दिनों में सहयोग के कदमों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। यूएसए की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने बार बार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत को कूटनीति के माध्यम से इस संघर्ष को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज अ मैटर ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। India has repeatedly called for an immediate cessation of hostilities and the need to resolve the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. This was also stated unequivocally by Prime Minister Modi during his meeting with President Putin in the sidelines of the recent SCO summit in Tashkent. We firmly believe that the global order should be anchored on international law, the UN Charter, and respect for the sovereignty and the territorial integrity of states. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण मानव केंद्रित बना रहेगा। हमारी ओर से हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और आर्थिक संकट के तहत दक्षिण में अपने कुछ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। India's approach to the Ukraine conflict will continue to be human-centric. On our part, we are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and of fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. NSE को लोकेशन घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्णन और पूर्व CEO आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दी है। कोर्ट ने CBI जांच के मामले में दोनों को जमानत दी। दोनों के खिलाफ ED जांच कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी, इनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण SI से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करना है। साथ ही SI के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश भी होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 डिमोनेटाइजेशन नीति के खिलाफ याचिकाओं के मामले में कोर्ट की संवैधानिक पीठ को 12 अक्टूबर को वो ये पहले तय करेगी कि साल 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता पर सुनवाई की अब जरूरत है भी या नहीं। केंद्र सरकार का कहना है कि अब इस सुनवाई का कोई व्यवहारिक मतलब नहीं रह गया, ये सिर्फ एकेडमिक विषय रह गया है। जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट के पास पहले ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं,
नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। 16 दिसंबर 2016 को ये मामला संविधान पीठ को सौंपा गया, लेकिन बेंच का गठन अभी तक नहीं हो पाया। इस मसले पर आज संवैधानिक पीठ पहली बार सुनवाई करेगी। खबर राजस्थान से, जहां सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में पैदा हुए संकट के बीच पार्टी की अनुशासनात्मक जो समिति है उसने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासन समिति के सचिव और राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने इन नेताओं को नोटिस जारी कर कहा कि नेताओं ने कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में जाने के बजाय अपने निवास पर ही सामान अंतर बैठक कराकर अनुशासनहीनता की है। और इससे पहले पार्टी प्रवेशकों ने घोर अनुशासनहीनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी 3 नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस बीच सचिन पायलट के आज कांग्रेस आलाकमान से मिलने के आसार हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के विंध्याचल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे 224 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही धार्मिक नगरी के रूप में भी। नवरात्र के पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थान का दौरा कर यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। 224 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर के बन जाने के बाद माँ गंगा के तट से विधान तक सीधा रास्ता हो जाएगा, जो पूरी तरह से वैसा ही होगा जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ से गंगा तक का है। विकास कार्य को देखकर नवरात्र मेले में आने वाले श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। और शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग जो स्वरूप है उनकी आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में माँ से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने पहुँच गए। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माँ के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में शारदीय नवरात्रों की छठा निराली है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा, तो वहीं गुजरात में दांडिया खेला जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, नवरात्रि में आज दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। उनकी असीम कृपा से हर किसी का जीवन वीरता और विनम्रता से सुशोभित हो, यही प्रार्थना है। वहीं भगत सिंह की 115वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मैं शहीद भगत सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भगत सिंह की 115वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, भारत की स्वाधीनता और सुनहरे कल के लिए हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर देने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं। देशभक्ति, साहस और राष्ट्र समर्पण की मिसाल उनका जीवन युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र हित सर्वोपरि की प्रेरणा देता रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शहीद भगत सिंह जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, मां भारती के अमर सपूत शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अमर बलिदानी भगत सिंह जी ने वीरता की एक ऐसी मिसाल दी है जो युगों युगों तक युवाओं को प्रेरित करेगी। भगत सिंह जी की जयंती से पूर्व चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। जब बचपन में मैंने खेतों में बंदूक बोई तो उस वक्त सरदार उधम सिंह के किस्सों का जोश था, लेकिन आजादी की लड़ाई में जाने का मन उस वक्त हुआ जब स्कूल से जलियांवाला बाग पहुंचा।
जहां लाशों से पटी भूमि थी। उस दिन रक्त से सनी भूमि को देख आजादी के साथ फेरे ले ली और सोच लिया जिंदगी की आखिरी सांस भी देश की आजादी को चली जाए तो भी धन्य हो जाऊं। उस सुबह आजाद जी से बहस हो गई कि असेंबली तो मैं जाऊंगा चाहे जो हो जाए और साथ हो लिए राजगुरु। असेंबली में बम फेंकना किसी की मौत का कारण न था, वो कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत के बंद पड़े कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। हुआ भी वही और देश में आजादी की नई लहर दौड़ पड़ी। जब फांसी पर चढ़ रहा था तो जेल के अंदर तो इंकलाब जिंदाबाद का शोर था, लेकिन मन में महामौन कि देश के काम मेरी आखिरी सांस आ गई। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। मेरी सोच थी आजाद भारत, स्वर्णिम भारत। आइए सीधे आपको लिए चलते चंडीगढ़, जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखे जाने वाले कार्यक्रम को वित्त मंत्री संबोधित कर रही हैं। ऑनरेबल गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा चौटाला जी जी, एंड ऑल्सो माई कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलीग वेरी रिप्यूटेड जनरल वी के सिंह जी, and all officials of both governments, Punjab and Haryana, Secretary of Civil Aviation, Bansal ji, and a very enthusiastic elite citizens of Punjab and Haryana, and the media who's come to cover this historic day. On the 115th anniversary, birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh, we are here to once again remember the sacrifice this young man made. A sacrifice in that age, during that era where every one of us were seeing history being written, our forefathers fighting for freedom of India. A young man comes up and unhesitatingly for the cause of the nation. His hand for an act for saving this country from foreign rule. Today I feel very humble. I feel very humbled and honored to be here on this day when we are dedicating in the name, through the name of the Chandigarh Airport and renaming it as Shaheed Bhagat Singh International Airport Chandigarh. Our generation has had this opportunity to remember this great sacrifice, and through this small gesture we are remembering the immense sacrifice young men and women like Shaheed Bhagat Singh made during the freedom struggle. We are fortunate that we are able to dedicate ourselves in at least remembering the great sacrifice. I would like to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who announced this only this Sunday during the Mann Ki Baat. Just 2 days ago, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji announces that it is time to remember and celebrate the sacrifices which people like Shri Bhagat Singh ji made. And in that cause, this naming of the airport will happen for Chandigarh. And I appreciate the Civil Aviation Ministry, which within a day or two, just matter of 2 days, have put everything in order and made sure that today we are here and all eminent leaders of Haryana and Punjab are here coming to
together to remember the great sacrifice of Shaheed Bhagat Singh. I thank the Honorable Prime Minister once again on behalf of all people of India for having thought that on the 115th birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh, we should remember his sacrifice, and the small gesture we can do is to name this airport. And I'm very grateful that the Punjab and Haryana government have come together. Even though they had little differences here and there, they just overcame all the differences and have put their footprint together to give this name today. And Civil Aviation Ministry has risen to the task. And I'm also happy to know that there is a beautiful picture of Shaheed Bhagat Singh, which is kept there on the dais, with a determined face, a face which is so sure of its commitment for this cause, the cause of Mother India, the cause of Bharat Maa. You can see it on his face, and such a portrait of Shaheed Bhagat Singh will be kept in this airport, and therefore will also be inspired by that face which shows so much determination for seva, maa bharati ke seva mein unki determination usse hame samajh mein aata hai. So on this day, when we meet, and especially during a time when the 75th Azadi ka Amrit Mahotsav is being celebrated, we are remembering iconic freedom fighters, and one among the greatest is Shaheed Bhagat Singh, and many others were also less known. During this time, in every state, in every little town, big town, village, Azadi ke Amrit Mahotsav is being celebrated. It started with the Prime Minister starting the celebration in March 2021, and since then continuously for 75 weeks ending August 2022, but then even further it will be carried on till August 2023, remembering less known, well known, very well known leaders of the freedom movement. And therefore Azadi ka Amrit Mahotsav is reaching every gaon, every basti of this country. Children are getting to know more about our freedom fighters. Chautala ji was speaking, said there was a generation who heard it from the freedom fighters themselves as to who were these great icons. There was then a generation which read it from the books, saw movies about them. But this generation is remembering in the context of 75th Azadi ka Amrit Mahotsav by recalling their sacrifice, by dedicating very many iconic centers in their names, and making sure in the digital form also we keep their memories alive. And therefore, every time we think of these leaders, we see their pictures, we see the names being put on iconic centers of public use, we get very motivated. We get inspired that that sacrifice should not stop there. It is not just for obtaining the political freedom that we obtain. It is important that in the name of Atmanirbhar Bharat, the movement that Honorable Prime Minister has started is something in which all of us can participate, so that being inspired by such great freedom fighters, so that we are able to build a strong, developed India by the time we are in 2047. So, jab hum 100 saal salgirah manayenge, Bharat ek vikasit desh ke naam par sarv sach uncha star par pahunchna chahiye, iske liye hamare sab mehnat, jaise un shahidon ka mehnat tha भारत को विदेशी के गवर्नमेंट से निकालने के लिए, फ्री करने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, हम ऐसे ही हम अभी इतना ही सैक्रिफाइस भारत माता के लिए करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेते हुए
सौ साल के सालगिरह मनाएंगे एक पूरे विकसित देश के नाम पर हम जाना जाना चाहिए। We should be known as a developed country by 2047 through the root of Atmanirbhar Bharat. That which we can do, we should do. That which we can create. As it is, 10 साल पहले जहां हम 11वें स्थान पर थे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आंकड़ा में और 5वें स्थान पर थे यूनाइटेड किंगडम, हमारे उस जमाने के हुकूमत 5वें स्थान पर थे 10 साल पहले और 10 साल के अंदर ही वो 11वें स्थान से हम अभी 5वें स्थान तक पहुंच गए हैं और 5वें स्थान में जो थे यूनाइटेड किंगडम हमारे विदेशी हुकूमत तब की वो 5वें स्थान के स्थान से हटाया गया और हम हैं 5वें स्थान पर अभी। इससे ज्यादा 75th एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करने का कारण और क्या हो सकता है। इसीलिए अगर इस हद तक पहुंच सकते थे अभी 75th ईयर में 2047 में सबसे डेवलप कंट्री के स्थान पहुंचाना इतना कठिन नहीं है। इसलिए हम सबका साथ रहना चाहिए, सबका प्रगति के लिए काम करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पाना चाहिए, उससे ज्यादा सबका प्रयास भी होना चाहिए। So once again, I again thank Honorable Prime Minister for having taken this very right decision and the two states, Haryana and Punjab, for having come together and agreeing to give this wonderful name, Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh, and therefore remembering the sacrifice of a great freedom fighter. I'm indeed very grateful that I could participate today in this program and be a part of remembering the great freedom fighter. Thank you very much. Bharat Mata Ki Jai. Jai Hind. Thank you very much, ma'am, for your such a kind word. Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh. नया नाम है ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जिसका नामकरण किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें इस राष्ट्र को और विकसित करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। युवाओं को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से युवाओं के लिए हमेशा भगत सिंह प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा देश भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य है और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. मुख्य बात का स्वागत। खबर कुलगाम से, जहां मुठभेड़ पर ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कुलगाम जिले में 24 घंटों के अंदर दो एनकाउंटर हुए हैं। पहला एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। दूसरे एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के दो लोकल आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। घंटा में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में दो एनकाउंटर हुआ है, पहले बटपोड़ा में और कल अवरटू में। तो पहला एनकाउंटर में एक जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया था जो काफ़ी दिन से एक्टिव था और बहुत सारे टेरर क्राइम इन्वॉल्व था। और कल भी दो लोकल जैश मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए
तो 24 घंटा में 3 टेररिस्ट मार गए, ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स लिए अच्छी बात है। और ऑपरेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं और 15 दिन के बाद मान लीजिए 15 अक्टूबर तक जितने फोलियज कम हो जाएगा, जो एप्पल्स ऑर्चर्ड है पत्ते झड़ जाएंगे, तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर हम लोग ऑपरेशन को और तेजी लाएंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना 28 सितंबर 1827 को हुई थी। आज रेजिमेंट अपना 196वां स्थापना दिवस मना रही है। एडीजीपीआई भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में आर्टिलरी रेजिमेंट का दमखम दिखाया गया है। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास आज दुनिया भर के आधुनिक हथियार हैं। रेजिमेंट के स्थापना दिवस को गनर्स डे के तौर पर भी जाना जाता है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने गनर्स डे की शुभकामनाएं दी। और बात कर लेते हैं शेयर बाजार को लेकर, तो वैश्विक बाजार से सुस्ती के संकेत मिलने के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक गिर गया, वहीं निफ्टी 17,000 के नीचे फिसल गया। लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में गिरावट के चलते कारोबार शुरू होते ही दोनों प्रमुख सूचकांक नुकसान में चले गए। और वजह यह है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आरबीआई जो एमपीसी की बैठक है वो शुरू हो गई है, तमाम जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहां पर हम दबाव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट करके चलती है इस तरह के इवेंट को। तो वहीं आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी 3 दिवसीय बैठक, जैसा कि हमने आपको बताया, वो आज से ही शुरू हो रही है और समिति शुक्रवार को मुंबई में अपनी नीतिगत घोषणा करेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक की समीक्षा की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस समीक्षा बैठक के नतीजे का ऐलान 30 सितंबर को करेंगे। आरबीआई ने जून और अगस्त में रेपो दर में 0.50% की वृद्धि की थी। जून में आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40% से किया था। फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए इस बार मौद्रिक नीति पर अधिक बारीकी से नजर रखी जा रही है। बात कर लेते हैं अब यूएस ओपन मार्केट्स को लेकर। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट पर प्रमुख सूचकांकों में मंगलवार को भारी गिरावट देखी गई। S&P 500 इंडेक्स 2 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। नास्टेक कॉम्पोजिट करीबन 0.25% और डाउ जोन्स में भी करीबन 0.5% की गिरावट नजर आई। S&P 500 में 0.21% की गिरावट नजर आ रही थी। S&P 500 में गिरावट के बाद वैश्विक मंदी की आशंकाएं तेज हो गई हैं। खबर यूरोप से। रूस यूक्रेन जंग के यूरोपीय देश इन दिनों भयानक ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में गैस पाइपलाइनों में पाए गए लीक से यह संकट और ज्यादा बढ़ गया। बाल्टिक सागर में रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम असामान्य रिसाव उसमें देखा गया। कई देशों ने गैस पाइपलाइनों पर क्षति पहुंचाए जाने की आशंका जताई। यूरोप ने रूस नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमले की जांच शुरू कर दी है। जर्मनी ने कहा कि गैस पाइपलाइन को सोची समझी चाल के तहत नुकसान पहुंचाया गया। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी पाइपलाइन में जानबूझकर क्षति पहुंचाए जाने की आशंका जाहिर की। अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा कि गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने से किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइनों पर 3 लीक हुए जो कि प्राकृतिक गैस से भरे हुए हैं। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कल यूक्रेन के होस्टोमेल शहर का आधिकारिक दौरा किया। उनकी यात्रा पुनर्निर्माण सहायता के समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले हुई। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और क्षेत्रीय राज्यपाल के साथ साथ स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात की। कोलोना ने कहा कि हर कोई होस्टोमेल शहर को उस जगह के रूप में याद करता है जहां यूक्रेनी राष्ट्र ने रूसी सैनिकों के आश्चर्यजनक हमले का विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस यूक्रेन के होस्टोमेल शहर के पुनर्निर्माण के लिए धन प्रदान करेगा।
खबर सऊदी अरब से। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त किया गया। सऊदी अरब ने राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की ओर से दिए गए कैबिनेट फेरबदल के आदेश के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री होंगे। उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। इस कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनियान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रिंस सलमान तेल पर निर्भरता से अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। सऊदी के लिए रोजगार पैदा करने, वित्तीय सुधारों के लिए कई बदलावों की घोषणा की गई थी। प्रिंस सलमान के कई हाई प्रोफाइल सामाजिक सुधारों में सिनेमा और सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति की पहल शामिल है। उन्होंने सऊदी अरब में महिलाओं की ड्राइविंग पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया था। खबर ईरान से, जहां हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद चरम पर है। देश के कई शहरों में कल प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच एक ईरान लेखक सईद गोलकर ने इसका विरोध किया और देशों से समर्थन की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईरानी अपने मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अन्य देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, उसी तरह ईरानियों की इस लड़ाई में भी अन्य देशों के समर्थन की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासनी ने ईरान के जारी हिजाब विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसक प्रतिक्रिया पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोला बारूद और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में दूरसंचार सेवाएं बंद होने के कारण विरोध प्रदर्शन में हुई गिरफ्तारियों और मौतों की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पुलिस और सरकार समर्थक मिलिशिया के सदस्य भी शामिल हैं। तूफान यान के बुधवार देर रात फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर श्रेणी 4 के तूफान में बदलकर टकराने की आशंका है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने भी फ्लोरिडा के निवासियों को चेतावनी जारी की। इस बीच यूएस नेशनल ह्यूरिकेन सेंटर ने बताया कि मंगलवार तक तूफान यान के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार की अगर बात की जाए तो हवाएं चली। इसके अलावा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बताया कि बाइडेन प्रशासन फ्लोरिडा के लोगों की पूरी तरह से मदद कर रहा है। इसके अलावा उपग्रह से ली गई तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें तूफान यान की मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर फ्लोरिडा के पश्चिमी तट की ओर से बढ़ते हुए दिखाया गया। तूफान में कड़कड़ाती बिजली को तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। फ्लोरिडा इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इससे निपटने में हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। दुनिया भर में आज विश्व रैबीज डे मनाया जा रहा है। रैबीज जो ये बीमारी है, जानवरों के काटने से संक्रमित होने वाला वायरस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रेबीज के प्रभाव को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। रेबीज की रोकथाम की नींव फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने रखी थी। उन्होंने विश्व में रेबीज का पहला टीका विकसित किया। उन्हीं की पुण्यतिथि पर हर वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। WHO ने वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम रेबीज फैक्ट नॉट फियर रखा है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में 2030 तक रैबीज बीमारी के प्रकोप को खत्म करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रैबीज से लड़ने के लिए लोगों के संकल्प लेने का आह्वान किया। बात खेल जगत की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 2-1 की सीरीज के बाद भारतीय टीम की नजरें अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज अपने नाम करने पर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास ये आखिरी सीरीज है। T20 विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी भारतीय क्रिकेट टीम की निगाहें अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पर लग गई हैं। दोनों टीमों के बीच बुधवार को तिरुवनंतपुरम में मुकाबला खेला जाएगा। विश्व की नंबर 1 T20 टीम भारत का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच हारने के बाद अगले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर होगी। विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए तैयारियों के लिहाज से ये अंतिम सीरीज है। अफ्रीकी टीम के खिलाफ भारत अपने घरेलू मैदान पर आज तक कोई सीरीज नहीं जीत पाई है। ऐसे में टीम ये रिकॉर्ड बदलना चाहेगी।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 महीने में ये दूसरी T20 सीरीज है। इसी साल जून में अफ्रीकी टीम 5 मैच खेलने भारत आई थी, तब सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटी थी। एक मैच में नतीजा नहीं निकला था। संयोग की बात है कि दोनों टीमों के बीच पिछली 2 सीरीज बराबरी पर छूटी है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली के बल्ले से निकले रन अगले महीने होने वाले विश्व कप से पहले बहुमूल्य हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में एक अर्धशतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया था। इन चारों बल्लेबाजों से अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज में आराम दिया गया है। विश्व कप टीम के अतिरिक्त खिलाड़ियों में शामिल मोहम्मद शमी कोरोना से ना उबर पाने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 से भी बाहर रह सकते हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के साथ अर्शदीप सिंह को मैदान पर पर्याप्त समय मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात दक्षिण अफ्रीका की करें तो टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और कप्तान तेम्बा बावुमा पर बल्लेबाजी का दारोमदार है। इसके अलावा पिछले कुछ मैचों से बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैंड्रिक्स और क्लासिन टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेहमान टीम की गेंदबाजी कगिसो रबाडा, एंड्रिक नारखिया और तब्रेज शमसी की उपस्थिति में बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।